इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि अगर आप टू गुड डॉट कॉम की वेबसाइट से कुछ सामान ऑर्डर करते हैं, कोई भी मोबाइल या कोई भी गैजेट ऑर्डर करते हैं, तो कैसे आप उसे वापस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माई वे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम टू गुड से कोई सामान खरीदते हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं, तो हमको वो पसंद नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर रिफर्बिश्ड मोबाइल मिलता है। तो अगर हमको उनको रिटर्न करना होगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, टू गुड की ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन हो जाने के बाद राइट साइड के नीचे में मी का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपको चले जाना है माय ऑर्डर्स में, तो माय ऑर्डर्स में चले जाएं। माय ऑर्डर्स में आ जाने के बाद आपने जो भी ऑर्डर किया होगा टू गुड से यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो जो भी चीज़ आपको रिटर्न करनी है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक iPhone 7 ऑर्डर किया था, 128 GB का ब्लैक कलर, तो मुझे इसको रिटर्न करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। सबसे पहले क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिटर्न का, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आपको क्लिक कर देना है रिटर्न में। रिटर्न में क्लिक करने के बाद सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पे पूछी जाती है रीजन फॉर रिटर्न, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्यों रिटर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा रीज़न है अनहैप्पी विथ आइटम परफॉर्मेंस, और आपका जो भी रीज़न है वो वहाँ पर सेलेक्ट कर ले। तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस, इसकी बैटरी लाइफ कुछ अच्छी नहीं लगी, तो मैं क्लिक करूँगा अनहैप्पी विथ आइटम परफॉर्मेंस। उसके बाद इसमें आप मोर डिटेल्स दे सकते हैं चाहें तो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आइटम वाज ओवर हीटिंग या कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही है, तो ऐसा चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ऐसे सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप कमेंट को लिख सकते हैं, कमेंट भी लिखना ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले लिख लें जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही हो आपके डिवाइस से रिलेटेड। तो मैंने अपने डिवाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम लिख ली है, अब मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू में, तो कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कन्फर्म करनी है, जैसे कि मुझे जो मोबाइल मिला था उसमें चार्जर था, तो चार्जर मुझे रिटर्न करना होगा। iCloud डिसेबल कर दिया है मैंने, जो कि iPhone का होता है, और स्क्रीन जो है अनलॉक है, उसमें पासवर्ड डाला हुआ नहीं है। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तीनों चीज़ों को जो है टिक कर दें, यानी कि जैसा आपको मोबाइल मिला था जिस कंडीशन में उसी तरह से आपको वापस कर देना है। उसमें कोई भी लॉक लगा हुआ नहीं होना चाहिए, उसका चार्जर जो मिला होगा ओरिजिनल जो उसका वही होना चाहिए, और iCloud या फिर कोई भी उसमें लॉक लगा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये तीनों चीज़ों में मैंने टिक कर दिया, ये तीनों चीज़ें अपने मोबाइल से मैंने हटा दी है जो मैं रिटर्न करने वाला हूँ। उसके बाद क्लिक करता हूँ कंटिन्यू में। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रिटर्न ऑप्शन, व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न, यानी कि आप रिटर्न में क्या चाहते हैं। इसमें क्लिक करिएगा तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, रिफंड और रिप्लेसमेंट। अगर आप रिफंड क्लिक करते हैं तो आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे, अगर आपने दिए होंगे तो, या फिर अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी दी होगी तो आपको मिल जाएंगे। और अगर आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं, यानी कि दूसरा मोबाइल चाहते हैं, तो आपको दूसरा मोबाइल मिल जाएगा। मैं इस केस में चाहता हूँ रिफंड, यानी कि मेरे पैसे वापस हो जाए मेरे बैंक अकाउंट में और मैं मोबाइल वापस कर दूँ, तो मैं क्लिक करूँगा रिफंड में। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, कौन से एड्रेस में आपका जो है पिकअप होगा रिटर्न, और अपना नंबर यहाँ पर डाल देना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऊपर में एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रिफंड अमाउंट, जो दिख रहा है जो मुझे रिफंड होगा, और पेमेंट मोड क्या होगा, जो मैंने जिस तरीके से मैंने पे किया था, यानी मैंने ऑनलाइन पे किया था, तो मुझे ऑनलाइन मिल जाएगा अपने बैंक अकाउंट में ओरिजिनल पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे लिख रहा है रिफंड आफ्टर 5 डेज ऑफ पिकअप, यानी कि 5 दिन के बाद मुझे ये पिकअप करने के लिए आएगा मोबाइल, तो 5 दिन तक आपको वेट करना होगा। और नीचे में कुछ लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया कि हम जो रिटर्न लेंगे उसमें टूटा फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और उसका जो कुछ भी पार्ट है जिस तरह से आपने लिया था सिंपली उसे आप उसी तरह से आपको वापस कर देना है। और साथ ही साथ अपने पर्सनल डाटा, जैसे कि फ़ोन, आपका फ़ोटोज़ या फिर कॉन्टैक्ट या फिर आपका जो भी ईमेल आईडी, जीमेल आईडी, ये सब चीज़ें आपको अपने फ़ोन से हटा लेनी है, कुल मिला के उसे फॉर्मेट कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है कन्फर्म रिटर्न में, तो यहाँ से है रिटर्न आपका सक्सेसफुली इनिशिएटेड होता है, यानी कि अब आपका रिटर्न हो जाएगा, 5 दिन के बाद आपके पास आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा पिकअप 13 सितंबर, यानी कि मेरा 5 दिन के बाद, आज 7 तारीख है, तो 5 दिन के बाद मेरे पास आएगा 13 सितंबर को, और मेरे पास से मोबाइल लेके जाएगा, और जो आपका पैसा है वो पिकअप हो जाने के 2 दिन के अंदर आपके पास मिल जाएगा। यानी कि अगर 13 तारीख को आपका फ़ोन आप दे देते हैं, वापस कर देते हैं, तो 15 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, या फिर जिस तरीके से आपने पेमेंट किया होगा वहाँ पर आपके पैसे आ जाएंगे। आप चाहे तो उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको चेक स्टेटस में क्लिक करना है, और यहाँ से जो है रिटर्न करने का जो पूरा प्रोसेस चलेगा कि कब कब क्या क्या चीज़ें होंगी, और उसके बाद जो है आपका रिटर्न ले लिया जाएगा। तो ये होता है पूरा प्रोसेस रिटर्न करने का कोई भी सामान टू गुड डॉट कॉम की वेबसाइट से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो आपके काम की होगी। अगर ये वीडियो आपके काम की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई वीडियो मिलाऊँ तो आपको पता चल जाए। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।